जयकारा वीर जरंगी, हर हर महादेव, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सबसे पहले सभी को राम राम। आज की जो प्रेस वार्ता है सनातन धर्म सभा रियासी में जो बुलाई गई है, जिसमें हमारे सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष जो मौजूद हैं और उनकी टीम भी हमारे साथ है। आज का जो हम आज प्रदर्शन पूरे दिन रियासी में शहर में जो हुआ है, हम सबके हमारे ज्ञान में होगा कि जैसे कल रात को काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, जिसमें कुछ सोशल मीडिया पे रियासी के माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश कुछ विशेष लोगों के द्वारा की जा रही है, उनके ऊपर प्रदर्शन दिन भर होते रहे हैं और पुलिस ने भी कार्रवाई की हुई है। और कैसे कैसे क्या क्या कहाँ क्या हुआ है, पूरी जो इन डिटेल जानकारी हमारे बीच जो सनातन धर्म सभा रियासी के अध्यक्ष बैठे हैं, वह जानकारी साझा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ सनातन धर्म सभा रियासी के अध्यक्ष श्रीमान ब्रजमोहन जी हमारे बीच आज की पूरी वार्ता रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज जो कल रात से ही जो है रियासी का माहौल जो है कुछ बड़ा गर्म सा हो गया था, क्योंकि 16 दिसंबर से हम घर घर जाकर के अक्षत जो वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, हमने हर घर में, उसमें हमने हिंदू के घर में और कुछ हमने मोहम्मदन के घर में भी अक्षत वितरण किए, सभी ने खुशी खुशी लिए, किसी को हमने कोई मतलब ऐसी बात नहीं कही, मतलब किसी को हमने प्रोवोकेट नहीं किया, किसी को इंस्टिगेट नहीं किया, और सभी ने मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम चला। अक्षत की पूजना भी हुई, घरों में भी हुई, और ऐसे ही जब सभी को कहा गया था कि 22 तारीख को मतलब 11 बजे से 1 बजे तक जो इसका मुहूर्त था, तो उसमें सभी ने जो है बड़े अपने अपने मंदिरों में पूरे जिले में और शांतिमय तरीके से राम राम उसका ही नाम जपा, और पूरा जो जिला था हमारा पूरे देश की तरह राममय हो गया था। तो हर आदमी के मुंह में उस दिन राम था, और जगह जगह हर जगह मंदिरों में प्रसाद बांटा जा रहा था, और लोग जो थे इतने खुश थे कि जैसे कि हम पहले दिवाली मनाते थे, हमें पता था कि रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के बाद घर लौटे हैं तो हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 500 साल की जद्दोजहद के बाद जो है अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर जो है, भव्य मंदिर जो है, जिसको कि पूरी दुनिया ने देखा है, और सब लोग जो थे पूरी दुनिया के जो सनातन को मानने वाले हैं वो सभी खुश थे, और सभी हम भी खुश थे, और रात को उसमें आतिशबाजी भी हुई दिवाली की तरह, उसको सेलिब्रेट किया गया। लेकिन कुछ जो थे विशेष लोग जो थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुई, ये खुशी जो है हमारी बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने आजकल जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसमें जो है कई किस्म के जो गंदे गंदे और जो हमें हिंदुओं के खिलाफ मतलब उन्होंने जो ऐसी बातें लिखी जो कि हमें बर्दाश्त जो है नहीं हुई। हमारे युवा जो थे भड़क गए थे, और आज सुबह से ही मतलब कभी बाजार में कभी ग्राउंड में तो होता रहा, और पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की है, और 3 लोगों को उन्होंने इसमें अपने गिरफ्तार किया हुआ है। एक कोई दुरमाड़ी से है, वो घर से भाग चुका था, और पुलिस ने उसको शायद सुनने में आया है कि अखनूर से पकड़ा है, और 2 रियासी के हैं, उसमें एक मेल और एक फीमेल है। तो हमें पुलिस पर भी पूरा यकीन है, और वो कह रहे हैं कि हमारी टीमें जो हैं पूरे जिले में फैली हुई है, और जो भी ऐसा हमें कोई आंसर मिलेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, और इनकी जो रिमांड होगी कल जो है आप देख लेना, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कोर्ट का भी पूरा सहयोग चाहिए, और जो अब मीडिया वाले जो इंचार्ज हैं जो साइबर कैफ है उनका भी हमें जो है चाहिए। तो आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये माहौल जो है हम सुधार लेंगे। तो ऐसी जो थी पहले ही हमें जो थी 18 तारीख को ही खबर आ गई थी कि हो सकता है कि कुछ देश जो हमारे दुश्मन देश है कि वो कहीं कोई हमला कर दें, कोई फिदायन हमला हो, लेकिन वो उस तरह का हमला तो हमने नहीं होने दिया। लेकिन ये जो है एक नई किस्म का जो आजकल हमला जो है उन्होंने अब ये सोशल मीडिया के जरिए जो है कर दिया गया, ये सिर्फ रियासी में ही नहीं रियासी के बाहर भी कई जगह पर मतलब ये ऐसे जो आ रहे हैं और ये हर जगह जो है अब सर्कुलेट हो रहे हैं। और अब ये भी देखने में आया गया कि आजकल छोटे जो बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले वो भी जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है कि इसका मतलब नुकसान क्या होगा। लेकिन अब हमने डीसी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी ये बात की है कि कोई ऐसा सर्कुलर जो है निकाला जाए कि जो स्कूलों के हेड्स हैं उनको भी बताया जाए
कि ये जो है बच्चों को कंट्रोल में रखें और उनको ये समझाएं स्कूलों में कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कम से कम करें। तो बाकी शहर के सभी में कोई 9-10 के करीब मतलब पोस्ट जो है संज्ञान में आए हुए हैं और उनमें से जो है 3 जो है मतलब पुलिस ने अरेस्ट किए हुए हैं, बाकी कुछ ने इनको मतलब अपने पोस्ट से मिटा भी दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि आजकल ये कोई मिटा नहीं सकता, जे हम मतलब जो हमारा साइबर कैफ है तो हम उधर भेजेंगे, उधर से फिर जो इनका व्हाट्सएप का जो वो ट्रेस करने में जो अमेरिका में जाना पड़ता है, पता नहीं अमेरिका से जो है हमें आ जाएगा, क्योंकि ये सबूत जो है ये इतना काफी नहीं होता है। तो ये सब कार्रवाई जो है हम 26 के बाद कर देंगे, तो आपको कोई चिंता करने की, जो अंदर हैं लोग हमारे पास हैं तो ये जल्दी जल्दी अब ये बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा और भी पूरे जिले में हमने सभी को सतर्क किया गया है, जितने भी पुलिस थाने हैं सभी को अभी तक की तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे कि एश्योरेंस दी है पुलिस ने तो हमें भी थोड़ा वक्त जो है उनको दिया है कि हम अब वो सभी जो है एडमिशन कह रही है कि अब 26 जनवरी का जो दिन है बड़ा एक महत्व दिन है तो उसमें आप सहयोग कीजिए। तो हमने भी उनको एश्योरेंस दी है कि हम जो जहाँ के बच्चे हैं जो बहुत जोश में थे, कल भी थे आज भी थे, तो हम उनको समझाएंगे और आज हमने उनको समझाया भी है। तो उन्होंने जो हमसे समय मांगा था तो हमने भी दिया है और उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दी है कि हम भी जो है पूरा जो है आपको सेटिस्फाई करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे इसके लिए। देखिए हम स्टार्टिंग से ही स्पष्ट हैं, जो जो रियासी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। जो 295A है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जो हम कहें तो उन्होंने हमारे धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाया है, अभी तक सिर्फ एक अरेस्ट ही हुआ है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम अपने शब्दों में, हम पहले अभी हमारा डेलीगेशन मिला भी है, SSP से मिला है, सबसे मिल रहे हैं। हमारी मुख्य मांग जो है इन सब पे PSA लगाया जाए, जो लोग एक पब्लिक मतलब सेफ्टी का ही सारा आ रहा है कि जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हम लोग PSA की डिमांड कर रहे हैं। और हम हमारे सनातन धर्म सेवा की तरफ से हमने एक ज्ञापन भी सौंपा हुआ है, तो उसमें अभी हम सारी डिमांड यही आ रही है कि जो लोग मॉनिटरिंग आप SSP करे, वो कह रहे हैं हम मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं, जैसे में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई बड़ा है जो भी कर रहा है, ऐसे 10 नाम हमारे पास पूरे इन डिटेल में है और उनके हमारे पास वो पुलिस के साथ हमारा टाई अप पूरा चल रहा है। जैसे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं हम उनको पहुंचा भी रहे हैं और वो पूरा इन डिटेल आ भी रहे हैं। आज भी काफी हमने स्क्रीनशॉट सबमिट करवा भी चुके हैं, कार्रवाई इस समय तुरंत चल रही है और स्ट्रिक्ट एक्शन जो चल रहे हैं।